अल्लाह यहाँ पर आते हुए आपका भी इस्तकबाल है। वेलकम गेंदबाज ट्रैक पर, पहले ओवर के लिए गेंदबाज मोफिज आपको नजर आते हुए, देखते किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, किस तरीके से विकेट चटकाने की कोशिश करेंगे। पहली गेंद ऑन साइड की दिशा में, अलोंग द कार्पेट खेला, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे वहां पर आसानी के साथ एक रन मुकम्मल होगा। खाता खुला बल्लेबाज साजिद मुकरी का, जाने माने खिलाड़ी है, बहुत सालों से टेनिस बॉल क्रिकेट में खेलते आ रहे हैं, आज अपना वो एक्सपीरियंस यहां पर शेयर करना होगा, अच्छी बल्लेबाजी जरूर करनी होगी। मामा भांजे एक साथ ग्राउंड के अंदर आपको नजर आते हुए, एक भांजा जो गेंदबाजी कर रहा है, एक भांजा साथ में बल्लेबाजी, और मामा उनके साथ बल्लेबाजी के लिए साजिद मुकरी। ऑन साइड में फोर्स किया गेंद को, गेंद लॉन्ग ऑफ के लॉन्ग ऑन के ऊपर से जा रही थी, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट, लाजवाब काबिले तारीफ फील्डिंग एफर्ट वहां पर देखने को मिलते हुए, फील्ड किया गेंद को, रोका वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर दिखाते हुए खिलाड़ी, इसी तरीके के फील्डिंग के एफर्ट आपको दिखाने जरूर होंगे ग्राउंड के अंदर, और वो फील्डिंग एफर्ट हमें यहां पर देखने को मिलते हुए। अब तक इस ओवर की अगर हम देखें तो कुल मिलाकर तीन गेंदें समाप्त हुई, तीन गेंदों की समाप्ति के बाद दो रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड में, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, गेंद हवा में लेकिन खिलाड़ी से थोड़ी सी दूर रही, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई, इसी तरीके की अच्छी फील्डिंग अगर होती रही तो फिर इस मुकाबले में बहुत कम रन हमें जरूर देखने मिल सकते हैं। फिलहाल गेंदबाजी का पक्ष यहां पर थोड़ा सा हावी नजर आता हुआ, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, जिस लाइन के चलते यहां पर गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखने की कोशिश कामयाब होती हुई गेंदबाजी। ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन से इस स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगी, उसके बाद शरीर से जा टकराई, कोई रन नहीं डॉट के साथ इस ओवर की अब तक की पांच गेंदें समाप्त हुई, पांच गेंदों के समाप्ति के बाद रन बने हैं मैच तीन। तीन ओवर का मुकाबला है, तीन ओवर के मुकाबले में आपको कम से कम 35-38 रन तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है अगर उस मुकाबले को आपको जीतना है। लाजवाब फील्डिंग एफर्ट जैसे मैंने पहले भी कहा था इस मुकाबले में देखने को मिलते हुए, पेस वेरिएशन बहुत ज्यादा, कम गति से गेंद को डिलीवर किया और बल्लेबाज हट्टे कट्टे कट के है, इस बार गेंद को उड़ाकर फेंक दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ये गेंद अगर हम देखें तो वेरिएशन कर रहे थे, थोड़े से धीमी गति से गेंद को फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा धीमी अगर आप करोगे तो फिर मार खानी पड़ेगी, बिल्कुल उसी तरीके की ये बहुत ज्यादा धीमी हो गई और उस पर एक कड़ा प्रहार जड़ दिया, 6 रनों में तब्दील किया गेंद को, इन्हीं 6 रनों की मदद से स्कोर बोर्ड अब आगे बढ़कर जा पहुंचा 9 रनों पर। पहले ओवर का खेल खत्म हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 9। देखते दूसरे ओवर का खेल किस तरीके से घटेगा, किस तरीके से खेल यहां पर देखने मिलेगा। इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद ऑफसाइड के ऊपर से, गेंद को वहां पर घसीट कर खेलना चाहते थे, खिलाड़ी मौजूद, काफी अच्छा कैच वहां पर कंप्लीट हुआ, विकेट मिली, पहली सफलता, बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ेगा, बल्लेबाज मुशर्रफ बैक टू द डगआउट, आउट होकर पैवेलियन की तरफ लौटते हुए। पहली सफलता साजिद के मुकरी यहां पर वापस लौटते हुए नजर आ रहे, नए बल्लेबाज अब ग्राउंड के अंदर बल्लेबाजी के लिए, इन एट नंबर 3
तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे हसनैन, जो बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए। बहुत सारे अपेक्षाएं है हसनैन से, क्या उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, क्या यहां पर एक अच्छी इनिंग को पेशकश करेंगे, क्योंकि जरूरत है टीम को। अगर ये जरूरत को पूरा करेंगे तो टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। इसके पहले वाले मुकाबले में इस टीम ने, यूए 11 ने जीत दर्ज की थी। यहां पर अवे फ्रॉम द बॉडी ड्राइव करने की कोशिश की, गेंद के ऊपर से निगाहें हटती हुई। स्ट्रोक आप जब भी खेलते हो शरीर के नजदीक से और बिल्कुल नजरों के सामने से खेलना बहुत जरूरी होता है। नजर के सामने ये स्ट्रोक नहीं खेल पाए, थोड़ा सा शरीर से दूर खेल रहे थे, उसी का फायदा मिला गेंदबाज को। एक डॉट के स्वरूप में निकलती हुई गेंद, फिर से एक बार छोटी गेंद थी, उसे खोटी करार किया, भेज दिया उसे लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। कहा जाता है ना, खोटी गेंद मानो छोटी गेंद मानो खोटी गेंद, ये बिल्कुल उस तरीके की छोटी गेंद थी, उसे खोटी गेंद बनाया और भेज दिया उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक, रिप्ले में आप जरूर देख सकते हो, काफी उम्दा और बेहतरीन स्ट्रोक, काफी अच्छा कैमरा वर्क पाटिल नेटवर्क की ओर से। फिर से एक बार रेडी थे, फिर से एक बार उसी दिशा में खेलना चाहते थे, अंधाधुंध बल्ला चला, नजर नहीं थी गेंद के ऊपर, लेकिन बैट का फ्लो अगर हम देखें तो वो बिल्कुल बड़े स्ट्रोक वाला था। डॉट के स्वरूप में निकलती हुई गेंद, 4 गेंदों की समाप्ति के बाद रन बने हैं 15। एक सिक्सर लगाओगे, 2 गेंदों को आप डॉट करोगे तो फिर नहीं चलेगा, आपको कंटिन्यू रन लेते रहना होगा। शॉट ऑफ लेन की गेंद पुल किया, इट्स अ पावरफुल ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल गेंद आउट ऑफ द पार्क। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस थी, फिर से एक बार नतीजा वही, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बैक टू बैक दूसरा सिक्सर, इन 2 सिक्सर के मदद से अब इनकी गाड़ी बिल्कुल चौथे गियर में चलती हुई, काफी तेज रफ्तार पकड़ती हुई। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 27। महंगा ओवर, कुल मिलाकर 3 सिक्सर लगे इस ओवर में, 18 रन खर्च किए। पहले ओवर में 9 बने थे, इस ओवर में दुगने बने 18। आने वाले ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, आने वाले आखिरी ओवर में किस तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे, रोकेंगे तभी जाकर मैच में जगह बना पाएंगे। अगर नहीं रोकोगे तो फिर ये मुकाबला वो आपके हाथों से बिल्कुल रेत की तरह फिसल सकता है। जितनी मुट्ठी आप बंद करने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा ये रेत आपके हाथ से फिसलती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट मुकाबले में 2 टीमें आपको यहां पर खेलती हुई नजर आएगी, आजाद सेना बनाम फहाद वॉरियर्स। अफान भुरे यहां पर उपस्थित होते हुए आपका वेलकम है, आपको वीआईपी डाइस में आकर बैठना है। ऑन साइड वे, फिर से एक बार गेंद का हवा में उछाल दिया, खिलाड़ी जज कर रहे हैं, काफी अच्छा उम्दा बेहतरीन कैच, एक रनिंग कैच वहां पर कंप्लीट किया, विकेट मिली, सफलता मिली, बल्लेबाज आउट। इस दर्द दिल का बीमार हूं। आदिल और अफान, आप दोनों मेहमानों को मुख्य मंच पर आना है। आदिल जिन्हें मनोरवाला के नाम से जाना जाता है, आपको भी मुख्य मंच पर आना है। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में जुड़ना है, आजाद सेना और फहद वॉरियर्स। दोनों टीमों के बीच वहां पर टॉस किया जाएगा, मैच नंबर 13, 13वां मुकाबला आज के दिन का।
कमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन वेलकम बैक सभी का फिर से एक बार तरी से हार्दिक हार्दिक स्वागत वेलकम 34 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए जिस रनों की तलाश थी जो रन बनने चाहिए थे वो रन यहां पर बनते हुए नजर आ रहे इस ओवर के अब तक अक्रम देखे तो कुल मिलाकर 5 गेंदे आखिरी की गेंद इस पारी की इस ओवर की आखिरी गेंद आखिरी गेंद पर बड़े स्ट्रोक के लिए गेंद को प्रहार किया लेकिन सीमा पार नहीं करवा पाएंगे खिलाड़ी तो वालों वहां पर कह रहे हैं आयुष्मान भव जीवन दान दिया उसी के साथ 2 रन खर्च किए ये बहुत महत्वपूर्ण है 2 रन इन्हीं 2 रनों के साथ अब स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर जा पोचा 36 पर जीतने के लिए 37 रन बनाने हैं ईशान लोनबाल आपको मुख्य मंच पर आकर विराजमान होना है थोड़ा सा जल्द से जल्द फील्ड को सजाना है वक्त को जाया ना करें जल्द ग्राउंड के अंदर आना है साजिद क्योंकि बहुत कम समय बचा है हमारे पास कुल मिलाकर 3 से 4 मुकाबले इस कम से कम समय में 6 मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पूरा करने की कोशिश हम जरूर करेंगे मोती
मैच यहां पर शुरू होता हुआ। जीतने के लिए 37 का लक्ष्य है। दानिश लोलबाल आपको भी मुख्य मंच पर आना है। इस ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस थी, आड़े बल्ले के सहारे खेलने की कोशिश, गेंद जाकर पैरों से टकराई, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। बिल्कुल इसी उंगली की तरह आपको भी पैवेलियन की तरफ जाना होगा। फर्स्ट विकेट डाउन ईयर, प्लम के सहारे पहली सफलता मिलती हुई, बल्लेबाज ग्राउंड पर आए थे तब उन्हें वापस भेजा गया। काफी खूबसूरत गेंदबाजी, पहली गेंद पर यहां पर सफलता मिली, बल्लेबाज आउट। नहीं बल्लेबाज आपको जल्द से जल्द ग्राउंड के अंदर आना है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर बल्लेबाज ग्राउंड पर आकर सिर्फ वापिस चले जा रहे, तुचल में आया ये सिलसिला जा रहा है बल्लेबाजों का, एक के पीछे एक विकेट यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे। पहली दो गेंदों में दो महत्वपूर्ण, दो बड़ी सफलताएं यहाँ पर अर्जित की अरमान ने। काफी खूबसूरत और अच्छी गेंदबाजी अरमान के गेंदबाजी में यहां पर नजर आती हुई। हमजा लोनबाल जो बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए, ये वाइट यॉर्कर थी, आप इसे अगर वाइट मांगोगे तो नहीं मिलेगी, ये अच्छी गेंद थी। वाइट यॉर्कर गेंद विकेट के पीछे डॉट के स्वरूप में निकलती हुई, काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर अरमान की ओर से देखने को मिलती हुई। यह गेंद गुड लेंथ स्पॉट पर पिच किया, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के तरफ रुक कर रही थी, वहां पर बेहतरीन कैच, फील्डिंग बढ़िया, विकेट मिली और एक सफलता, और एक बल्लेबाज पैवेलियन का रास्ता नापते हुए नजर आ रहे। बेहतरीन गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी अरमान, यहां पर बल्लेबाजों को बांध कर रखने की उनके जो चाह है उनके दिल में, वो बहुत अच्छी तरीके से यहां पर कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे। काफी अच्छी गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी, सही लाइन, तीखी लाइन जिसे कहा जाता है ना, वो बिल्कुल तीखी लाइन उनके गेंदबाजी में नजर आती हुई। अब तक तीन सफलताएं अर्जित की। बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं करवा पाए, अनएक्सेप्टेड उछाल यहां पर देखने मिला। एक्सेप्ट कर रहे थे कि थोड़ा और ज्यादा उठ जाएगी गेंद, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई डॉट। अब तक कोई रन नहीं, क्या यह पहला मेडन होगा? हाँ यह पहला मेडन है, इस प्रतियोगिता का पहला मेडन प्लस 3 विकेट्स। बेहतरीन गेंदबाजी अरमान की ओर से। वक्त को जाया ना करें, नेक्स्ट बॉलर जल्द से जल्द, अब टीम मीटिंग नहीं, आपको जो भी बात करनी है मैच खत्म होने के बाद करें, फिलहाल नहीं, अपने अपनी जगह पर जाकर फील्ड को सेटअप करें जल्दी जल्दी। सोहेल अपनी जगह पर जाना है। साजिद बुकरी गेंदबाजी ट्रैक पर, बल्लेबाजी में कुछ खासा
अच्छा प्रदर्शन दिखा नहीं। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड में, अच्छा स्ट्रोक, वन बाउंस ओवर द रूफ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। क्या बना था, दरार थी यहां पर काउ कॉर्नर और मिड विकेट के बीच, उस दरार से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, चार रन। साजिद मुकरी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, शॉट अप लिंक की गेंद ऑन साइड में, यहां पर पुल करने की कोशिश थी, प्ले डाउन हो गए खिलाड़ी। यहां पर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और उसके बाद जाकर विकेट से टकराई, सफलता मिली, विकेट नंबर चार, ये चौथी सफलता, चौथा बल्लेबाज अब पेवेलिन की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है, प्रेशर में है, अंडर प्रेशर आपसे बहुत सारी गलतियां होती है और यहां पर भी वो नजर आता हुआ, अंडर प्रेशर, थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी, बड़े स्ट्रोक का बहुत ज्यादा जरूरत यहां पर अब नजर आती हुई, क्योंकि पहला ओवर जो मेडन फेंका है गेंदबाज ने, अरमान ने, तो पहले मेडन के बाद अब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, तो उस प्रेशर के चलते ये गलतियां यहां पर नजर आती हुई। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल सही गेंद, लेकिन पिचिंग डाउन द लेग, पिचिंग बहुत मायने रखती है क्रिकेट में, अगर आप पिचिंग डाउन द लेग करोगे तो फिर अंपायर्स कभी बल्लेबाज को आउट नहीं करार करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी पहले पिचिंग का ख्याल रखा जाता है। ऑन साइड में फील्ड टॉस मिली और भेज दिया उसे बाउंड्री लाइन के बाहर, छह रन। मैच खत्म नहीं है, यहां से अगर आने वाले गेंदों में दो से तीन बड़े स्ट्रोक लग जाएंगे ना तो ये मैच यहां से भी ऑन होगा, क्योंकि यहां से आठ गेंदें बची है और आठ में बनाने हैं 27। सूरज पाटिल एक बड़े ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं शाम में। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड में, फिर से एक बार बड़े स्ट्रोक के लिए गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी डीप में मौजूद, एक सिंगल के लिए गेंद को खेला, दूसरे की यहां पर कोशिश, एक रन के साथ अब स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड एक से आगे बढ़कर जा पहुंचा 11 पर, 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। बिल्कुल दोपहर के बाद शाम के चाय के वक्त में सूरज पाटिल है, दोपहर में थे यहां पर, खाने के बाद वो गुमशुदा हो गए थे। डॉट के साथ ओवर खत्म हुआ, दो ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 11, आने वाले आखिरी के छह गेंदे, छह में जीतने के लिए रन बनाने हैं 26 रन। टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसा हम नहीं कह सकते, बन जाते हैं। नए गेंदबाज कैफा जाते हुए, अच्छे खिलाड़ी है कैम के, उमर 11 के नाम से अमूमन वाड़ा क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो भी प्रतियोगिताएं होती है उन प्रतियोगिता में कैम की टीम हमें खेलते हुए नजर आती है। कैफाज अपने ओवर की पहली गेंद लेकर ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी है वहां पर, जब तक गेंद को उठाएंगे एक रन वहां पर आसानी के साथ मुकम्मल होगा। दूसरे की कोशिश, विकेट मिल सकती है, विकेट मिल गई, सफलता मिल गई, वापिस लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, यह रन नहीं था, इसकी कोशिश आप करोगे तो फिर यहां पर जरूर सफलता मिलेगी और वो सफलता मिलती हुई आने वाली पांच गेंदें जीतने के लिए रन बनाने हैं 25। थैंक यू भैया। नए बल्लेबाज जब क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए, ये गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे लपक लिया कैच और एक सफलता, अब ऐसा लग रहा है कि सबको बल्लेबाजी मिलेगी। इस ओवर की अगली गेंद
ये जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, ये छह में तरार होगी, ये छह रन देकर जाएगी। अच्छा स्ट्रोक था, कनेक्शन जब बना तब मोहर लगे थी उस गेंद पर छह की, एक अच्छा स्ट्रोक, सिक्सर, छह रन। इस ओवर की अगली गेंद, अब आखिरी की तीन गेंदें शेष है। यह अंधाधुंध बल्ला चला रहे, बनी तो बनी नहीं तो फिर आप आगे का जानते हो। एक रन, एक रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़कर जा पहुंचा 19 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। जीतने के लिए यहां से एक बड़ा फासला, गेंदे उतनी है बची नहीं है आपके पास, दो गेंदे महज औपचारिकता है बाकी रह चुकी है इस मुकाबले की। अगर यहां से नो गेंद करेंगे, एक आधा बीमर फेंकेंगे, उस पर छक्का लग जाएगा तो मैच बन जाएगा। अच्छी गेंद यहां पर, सफलता और एक मिलती हुई। आखिरी गेंद, आखिरी बल्लेबाज, नए बल्लेबाज, नए बल्लेबाज को आना पड़ेगा, नए बल्लेबाज को दौड़ के आना पड़ेगा, दौड़ कर आना पड़ेगा। और एक अच्छा स्ट्रोक, जीत लिया इस मुकाबले को